हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप गाइस आप सब बढ़िया होंगे और एकदम मज़ेदार होंगे। और आज मैं दो कमेंट जरूर से पढ़ना चाहूँगा। तो पहला है विनीत भाई का, जो कि मेरे को अंकल बोलते हैं। मुझे भी नहीं पता है कितने बड़े या छोटे हैं, लेकिन अगर भैया बोले तो ज़्यादा अच्छा है, बट अंकल में कोई बुराई नहीं है भाई। और दूसरा है भाई शाम का, जो कि लिखते हैं कि भाई आपके अच्छी वीडियोज़ बनती हैं और सब्सक्राइबर्स कम हैं। तो यार देखो, ऐसी चीज़ है ना, मतलब सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइबर्स आप किसी से थोड़ी सी हेल्प लो तो आराम से जो है आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जेन्युइन जो सब्सक्राइबर्स है ना, वो मेरे लिए काफ़ी मैटर करता है भाई। जितनी भी मैं वीडियोस डालता हूँ, मेरे को जो कुछ रेगुलर कमेंट्स आते हैं मेरे भाइयों के, तो उनसे ज़्यादा खुशी मुझे और किसी में नहीं होती, सही बताऊँ तो। क्योंकि देखो, कुछ बंदे ऐसे भी हैं मेरे चैनल पे जो मेरी वीडियोस देखते हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। बहुत बंदे ऐसे हैं, क्योंकि एनालिटिक्स जो होती हैं वो सब कुछ आपको बता देती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत अलग हैं। तो कुछ बंदे होते हैं ऐसे भाई जिन्हें आपकी वीडियोस पसंद होती हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। कोई दिक्कत नहीं भाई, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको पसंद, जब तक आपको पसंद नहीं आता चैनल, तो आप उसे सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ही क्या। आप सब्सक्राइब करोगे और फिर निकल जाओगे तो कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा उस चीज़ का, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि भाई सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हों, कोई दिक्कत नहीं। सब्सक्राइबर्स कम हों, लेकिन वीडियो को जो देखने वाले हैं और पसंद करने वाले हैं, अगर वो रेगुलर है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और मेरे लिए जितने भी मेरे भाई कमेंट करते हैं और वीडियोस रेगुलर देखते हैं, तो उनके लिए जो मेरा प्यार है वो उतना ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उसी चीज़ की होती है, क्योंकि देखो, अगर कोई बंदा आपकी वीडियोज़ को रेगुलर देख रहा है तो आपके लिए वो बेस्ट है यार। मतलब आपके सारी वीडियोज़ वो देख रहा है, तो उसका मतलब जो है वो इस चैनल से अपने दिल से और अपने अटैचमेंट से जुड़ा हुआ है, अपने भाई के लिए जुड़ा हुआ है। तो वो सब चीज़ें जो हैं मायने ज़्यादा रखती हैं, ना कि वो कि भाई एक बंदा आज वीडियो देख गया उसके बाद वो कभी नज़र ही नहीं आया। तो वो चीज़ें मैं जो है ज़्यादा सोचता भी नहीं। और ये चैनल मैं दरअसल जो है आप सबके प्यार के लिए ही बनाया हूँ। वैसे स्टार्टिंग में इसका उद्देश्य कुछ और था, बट मैंने बाद में इसको चेंज कर दिया था। और इसकी स्टोरी जो जल्दी बताऊंगा 15K पे, जब 15K हो जाएंगे, तो इसी वजह से मैं जो है थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि चैनल को थोड़ी सी अच्छी सी ग्रोथ मिल जाए। ग्रोथ का मतलब ये है कि जो हमारे मेंबर सब्सक्राइबर हैं वो जो है जेन्युइन हो, बस इतना मैं चाहता हूँ इस चैनल से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो सबके तो मैं जो है जवाब दे ही देता हूँ। और यहाँ पे कुछ लोगों के जो है मुझे जो अच्छे लगते हैं कमेंट्स, वो जरूर से मैं जो है शो कर देता हूँ कभी कभी। तो एक तरीके से शॉर्ट आउट कह दो या मेरा प्यार कह दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं वैसे तो, और सभी को मैं जो है दिल से जो है भाई प्यार करता हूँ। क्योंकि मेरी वीडियोज़ को यार देखो, मैं ये नहीं देखता कि भाई मेरी वीडियोस पे व्यूज़ कम आ रहे हैं, लेकिन जो आ रहे हैं वो रेगुलर बंदे हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल देखो, गेम मैंने जो है इसी बात में बहुत सारा निकाल दिया। और वैसे गेम पहले तो चल ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होती कई बार, लेकिन जो जगह है मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे मिस हो सकता है, तो मैं उसको जो है थोड़ा सा पहले ही बता देता हूँ। तो इस वजह से, और आज का जो हम पार करने वाले हैं, मेरे नाम भूल गया मैं उसको, शायद से इनर करके कुछ है, तो वो रोज़ की तरह वही मैं जो है टाइटल में फिर से डाल दूंगा, शायद इनर सेक्टम कुछ करके है। तो चलो उसे छोड़ते हैं और फिलहाल बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ तो फिलहाल अब तक का जितना भी मैंने रास्ता तय किया है वो भाई सीधा ही है बिल्कुल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सीधे से आएंगे और इन मॉन्स्टर को मारते रहेंगे। मॉन्स्टर थोड़े से टफ हो चुके हैं, क्योंकि भाई देखो इनके साथ में जो ये छोड़ रहे हैं, मेरे को भी नहीं पता क्या है, लेकिन इससे एनर्जी जो है हमारी कम हो रही है और ठीक ठाक सा भी लग रहा है। तो देखो, जब गेम इतना चला गया है तो अब थोड़ा सा बनता भी है कि जो मॉन्स्टर हैं थोड़े से हार्ड आएँ, ताकि गेम को खेलने में ज़्यादा मज़ा आए। गेम इजी होगा तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता, गेम हार्ड होता है तो उसका ज़्यादा वो गेम उतना ही बेहतर होता चला जाता है। देखो, अगर ईजी गेम है और आपने उसे पार कर लिया फटाफट से, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई गेम अच्छा था, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि देखो, जब कोई गेम हार्ड होता है, हार्ड मतलब ये है कि उसको थोड़ा सा मेहनत करके पार करते हैं ना आप, तो वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहता है। और भाई अगर कोई पूछेगा ना कि भाई आपने ये गेम खेला, हाँ भाई गेम खेला काफ़ी मस्त है, क्योंकि वो जो है आपसे एकदम से पार नहीं हुआ। लेकिन अगर एकदम से पार हो गया तो आप सिर्फ नॉर्मली कहेंगे कि भाई इजी, मतलब गेम अच्छा है लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है, तो उसका जो है ज़्यादा रोल नहीं रहता। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि भाई अगर गेम है ना, तो थोड़ा सा टफ होना भी ज़रूरी है, और पजल्स जो है काफ़ी अच्छे होने चाहिए, तो ज़्यादा मज़ा आता है गेम को खेलने में। और ऐसे गेम्स जो हैं, लेकिन आजकल जो है ना काफ़ी गेम्स जो हैं फ़नी भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। और देखो, सिंगल में जो है ना फ़नी गेम्स को खेलने का मज़ा नहीं है। अब मैं खेलता रहूं और खुद ही हंसता रहूं, तो वो ज़्यादा मज़ेदार नहीं होता। उसमें अगर आपके टीममेट्स हैं तो वो ज़्यादा मज़ेदार होता है। हो, थोड़ा बहुत हो जाता है मनोरंजन, अच्छा लगता है, वो भी जब लगता है कि भाई जब आपके काफ़ी सारे दोस्त हों। तो फिलहाल देखो, मैंने मज़े में इस स्टेज को पार कर दिया है। अभी तक कोई रास्ता में कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी, तो ईजी से पार करना था, कोई
सीन था ही नहीं कि भाई कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं, तो यहाँ से जो यहाँ पे से इजीली पार कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको एक्टिवेट भी कर दिया, तो पहले थोड़ा सा गेम पे फोकस करता हूँ उसके बाद स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे फिर से हम जो है नेक्सस में आ गए और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पार्ट को स्किप कर दिया, तो उसे छोड़ते हैं और फिलहाल यहाँ जो है फोकस करते हैं हम भाई। और भाई यहाँ पे देखो काफ़ी सारे जो है हेल्थ लेवल हैं, पावर्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आप जो है यहाँ से इनको अपग्रेड भी करते जाते हैं, तो जो है आपकी हेल्थ वेल्थ थोड़ी सी और इंक्रीज़ हो जाती है, आपकी पावर थोड़ी सी और इंक्रीज़ हो जाती है। तो ऐसे करके यहाँ आप जो है इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने वेपन्स को भी थोड़ा सा और एडवांस कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और देखो भाई यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा कुछ कर लिया अभी तक के। ओके, तो फिलहाल जो है लेवल अप जितनी मर्ज़ी आप यहाँ से कर लो, क्योंकि आपके पास ये जो भी हैं सिक्के हैं क्या हैं ये कॉइन्स वगैरह तो बहुत सारे हैं, तो आप जो है लेवल अप करते जा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और मैं तो वेपन को ही करता हूँ ज़्यादातर, वैसे सभी को कर लेता हूँ धीरे धीरे, लेकिन फिर भी जो है आप अपने हिसाब से इनको कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल जो कि मैं बता रहा था कि भाई गेम के बारे में, तो इसके बारे में तो कोई अब इशू नहीं रहा, जो परमानेंट से देख रहे थे उनको पता ही है, और जिन्होंने आज पहली बार इसको देखा है तो वो जाकर के एक बार चैनल पे वीडियोस और देख लेना, ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो और साथ ही में अगर यार पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर अच्छा लगे तो भी करना सब्सक्राइब भाई, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से देखो दो चार दिन वीडियोज़ को, अगर पसंद आए तब जाके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे देखो वेपन्स भी हैं, वेलोर्स के वगैरह, तो ये सब जो है आप यहाँ से अपग्रेडेशन के साथ साथ क्राफ्ट भी कर सकते हैं और अपने जो वेपन्स हैं उनको थोड़ा सा और शार्प कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस गेम में देखने के लिए मिल जाएगी और काफ़ी मज़ेदार भी हैं। और देखो यहाँ पे ये चीज़ है, ओके, मुक्का सुक्का है भाई, मेरी समझ में पंच का है शायद से कुछ सिस्टम। और देखो मेरे पास 500 के करीब हैं, तो फिलहाल जो है आप चाहें तो बाय कर सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मैं जो है यहाँ पे वेपन को जो है थोड़ा सा और अपग्रेड कर लेता हूँ, ताकि जो है हमारी पावर्स और थोड़ी सी बेहतरीन हो जाए, ठीक है। ओके, तो फिलहाल जो है आगे बढ़ते हैं और भाई देखते हैं कि क्या कुछ अब जो है हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो वैसे जो मैप हमने किया है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, 80% हुआ है जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, और मेरे ख्याल से कोई नेक्स्ट मैप अभी आने वाला नहीं है, तो पहले तो यही कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि इसको 100% करना पड़ेगा। और फिर से जो है अब देख लेता हूँ एक बार से कुछ और चेक करके, अगर कुछ अच्छा मिल जाए, वैसे मेरे को लग नहीं रहा। तो फिलहाल जो है आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे और देखते हैं आगे क्या कुछ है, तो क्योंकि 100% मेरे को करना है, तो मैं आगे स्टेज में जब ही जाऊंगा जब इसको 100% कर लूँगा, क्योंकि मेरे को पिछली वीडियोस में यार काफ़ी कमेंट भी आए और काफ़ी दिक्कत भी हुई दोबारा से उसको जो हिडन प्लेस थी। ओ भाई ये क्या गया, ओहो भाई खतरनाक तेरी ऐसी की तैसी में भाई, ये तो काफ़ी खतरनाक लग रहा है, ब्राइट वॉल करके है कुछ, और भाई तेरी, ओ भाई खतरनाक। लेकिन इसको जो है मैं, ओ भाई इसकी हेल्थ तो बहुत जल्दी चली गई, बट कोई दिक्कत नहीं, पहले जो है मैं इसको लुढ़का देता हूँ आराम से, ये तो बहुत जल्दी हार गया। ओ नहीं, एक बार से और हराना पड़ेगा मेरे को शायद से, रुको जरा सबर करो, अब है तेरी ऐसी की तैसी। ये तो भाई बहुत आसान लग रहा है मेरे को, क्योंकि ज़्यादा टफ तो मेरे को उसमें लग नहीं रहा कुछ भी, और आराम से हार जाएगा शायद से, ज़्यादा हेल्थ भी इसकी नहीं है और डैमेज काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अपग्रेडेशन का काम आ रहा है। ओ भाई ये क्या सीन है, ओ हो गाइस दो आ चुके हैं यार, अब तो भाई पंगा हो जाएगा यहाँ पे। और भाई एक को मारना काफ़ी मुश्किल था, और मुझे थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई किस वाले को मैंने ज़्यादा डैमेज दे रखा है, तो मैं जो है उसी को फोकस करूँगा, ताकि मैं एक को निपटाने के बाद दूसरे पर जा सकूँ। ओ भाई तेरी ऐसी की तैसी, रुक जा यार, दो कहाँ से आ गए भाई, एक मारना मुश्किल है यहाँ पे। ओ ये तो दूसरे वाला है, ये वाला है, इसको मारता हूँ, रुको। वो देखो फिर से आगे भाग गया, और मैं तो उसको ही मारूंगा पहले, क्योंकि मेरे को जो है इसको जल्दी निपटाना है एक को। ओ भाई रुको जरा, हेल्थ मेरी चली गई, पहले मैं जो है हेल्थ पूरी कर लेता हूँ यहाँ से आकर के। रुक जा भाई रुक जा, एक सेकंड रुक जा, तेरी भी जो है मैं ऐसी तैसी करूँगा। ओके इधर तो कोई नहीं है, वो वाला बंदा कहाँ गया भाई, ओके तो शायद से वो चला गया, और ये बंदा हमारे पास छोड़ गया, पर इसको जो है मैं लव मजा चखा ही दूँ अभी। नहीं, रुको जरा, ऐसे कैसे अच्छा, अकेले को तो मैं सिंपल से मार लूँगा, अकेले में तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास वैसे पावर नहीं है अभी, लेकिन मैंने जो है बिना पावर के इसको लुढ़का दिया। और भाई काफ़ी ख़तरनाक मॉन्स्टर सा लग रहा था मेरे को तो स्टार्टिंग में, और जब दो ही आए तो भाई मेरी हालत खस्ता हो गई, मैंने कहा ये क्या हो गया, अब तो भाई जो है मैं गया, लेकिन फिर भी जो है मैं इसको आराम से पार कर लिया, कोई ज़्यादा दिक्कत थी नहीं। और ये देखिए हमने इसको डिफीट कर दिया है, और आगे मेरे को कुछ चमक रहा है भाई।
ओ भाई ये तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है आगे शायद से, और स्टेज काफ़ी जो है पहले भी आया था एक बार ये, मेरे को तो काफ़ी पसंद आया था। मतलब एक तरीके से जो देखा जाए ना भाई, पज़ल्स जो है ना इसके काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। और देखो ग्राफिक्स के बारे में यार बात करने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि भाई इतने प्यारे ग्राफिक है ना, आप क्या ही तो कहोगे बस, क्योंकि मोबाइल के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। और एक गेम जो मैंने जेनिशन इम्पैक्ट जो स्टार्ट किया है उसके ग्राफिक भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन वो गेम भाई बहुत ज़्यादा MB का है, तो इस वजह से उसके कंपेयर में तो ये भाई बहुत ईजी है टास्क। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फ़िलहाल जो है हम कहीं पर आ चुके हैं और ये जो है अपने आप से जो है कहीं से टेलीपोर्ट हुए हैं भाई। इधर तो मेरे को कुछ नहीं लग रहा, और मैं कोशिश करूँगा कि भाई सारे एरिया जो है ना कम्प्लीट करके निकलूँ यहाँ से, ताकि ओके लेडीज़ एंड जेंटलमैन आई वुड हैव योर अटेंशन। ठीक है तो भाई ये जो है हमें कुछ अभी यहाँ से जो है अपने आइडियाज़ शेयर करेंगी। पढ़ते रहना भाई आप सब भी साथ साथ में। ओके भाई काफ़ी लंबी तगड़ी चौड़ी बात चल रही है, शायद से यहाँ कुछ ख़तरनाक होने वाला है। मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता अभी इस पर, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है इसकी बात में सही से बताऊँ तो। वैसे जो स्टोरी बेस होता है उसमें तो थोड़ा देखना पड़ता है, बट इसमें तो मेरे को सिंपल नहीं लग रहा है कि सामने जाओ अपने मिशंस कम्प्लीट करो, और स्टोरी जो है क्लियर है ही है कि आपको करना क्या है। ओके यहाँ पर प्लेस फ्रेगमेंट, अबे फ्रेगमेंट कहाँ से लाऊँ भाई। अच्छा वो जो मेरे को मिला था, तो उससे पहले जो है मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे, और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले इधर जा करके देखता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ है, तो मेरे को फ्रेगमेंट प्लेस करना होगा गाइस, और वो जो हम करेंगे अगली वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एकदम मस्त लगी होगी। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस। Fuck off.